भोजपुर जिले के रमना मैदान में जिला फुटबॉल संघ भोजपुर द्वारा आयोजित राधा शरण सिंह कप जिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 2022-23 में बेरत ने गढ़नी को 5-0 से हराया। वहीं दूसरे मैच में बगही के उपस्थित नहीं होने के कारण पिरोटा को वाकओवर मिला। सातवें दिन का प्रथम मैच आदर्श फुटबॉल क्लब बेरत बनाम जीएफसी गढ़नी के बीच हुआ। इस मैच में खेल के चौथे मिनट में पहला गोल सत्यम कुमार ने बेरत टीम के लिए किया। अभी खेल के तुरंत बाद 16वें मिनट में गढ़नी टीम के खिलाड़ी ने पेनाल्टी एरिया में बेरत टीम के प्लेयर के ऊपर फॉल खेलने के कारण रेफरी राजकुमार ने पेनाल्टी दे दिया। इस तरह बेरत टीम के खिलाड़ी पवन कुमार ने पेनाल्टी का बहुत सुंदर फायदा उठाया और गढ़नी टीम के ऊपर 2 गोल से बढ़त बना लिया। बेरत टीम के खिलाड़ी सत्यम कुमार को रेफरी ने 33वें मिनट में गलत खेल खेलने के कारण पीला कार्ड दिखाया और चेतावनी दी। मध्यांतर तक बेरत मैच में 2 गोल से आगे रहा। मध्यांतर के तुरंत बाद 48 मिनट में लक्ष्मण सिंह बच्चा ने गोल दाग दिया। इस तरह मैच में बेरत 3 गोल से आगे हो गया। मैच के अंतिम क्षण में बेरत टीम के खिलाड़ी गुड्डू कुमार ने अपनी टीम के लिए 4वां गोल दाग दिया। इस तरह आदर्श फुटबॉल क्लब बेरत मैच में 4 गोल से आगे हो गया और खेल के 62वें मिनट में 5वां गोल किया गया। खेल को गलत तरीके से खेलने के लिए गढ़नी टीम के प्लेयर मोहम्मद नाहिद को रेफरी राजकुमार के द्वारा पीला कार्ड देखना पड़ा। इस तरह मैच बेरत 5-0 से जीत गया। इस मैच के निर्णायक राजकुमार, सुनील कुमार, रवि कुमार, धर्मेश उपाध्याय रहे। इस मैच के पर्यवेक्षक अशोक माना एवं लाल बहादुर लाल थे। मैच के मुख्य अतिथि आरा के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम मिश्रा, मुख्य संरक्षक जिला फुटबॉल संघ भोजपुर एवं डॉक्टर दीपक अस्थाना नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। वही दूसरे मैच के मुख्य अतिथि कवि पवन श्रीवास्तव एवं राजेंद्र प्रसाद थे। महेंद्र नारायण फुटबॉल क्लब पिरोटा बनाम न्यू आजाद क्लब बगही के बीच था। इस मैच में न्यू आजाद क्लब बगही टीम की अनुपस्थिति के कारण महेंद्र नारायण फुटबॉल क्लब पिरोटा को वॉकओवर दिया गया। इस मैच के निर्णायक रवि कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार और धर्मेश उपाध्याय थे। संघ के सचिव रविन्द्र कुमार ने बताया कि 8वें दिन का पहला मैच शाहबाद हीरोज एथलेटिक क्लब आरा बनाम आदर्श फुटबॉल क्लब बिया के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच एनएसएससी आरा बनाम करिम्या क्लब वलीगंज आरा के बीच होगा। इस अवसर पर लीग के पर्यवेक्षक लाल बहादुर लाल एवं अशोक मानव रहे। अन्य उपस्थित लोगों में सुनील कुमार सिंह, धर्मेश उपाध्याय, सुधीर सिंह, जीतू चंद्रवंशी, बूटन यादव, लाल शरण सिंह, सुधीर सिंह, जीतू चंद्रवंशी, इंद्रदीप नारायण सिन्हा, कैलाश प्रसाद, शशिभूषण सिंह, अमरनाथ सिंह, अरुण सहाय, नितिन कुमार, मेडिकल टीम के पंकज कुमार, मिथिलेश सिंह, संजय सिंह, मोहम्मद शमशाद, जंगली प्रसाद, मक्कू लाल गुप्ता। अंत में धन्यवाद ज्ञापन संघ के अध्यक्ष राममूर्ति प्रसाद ने किया।